ओम नमो नारायण, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत देश अपनी आध्यात्मिकता और अपने धर्म की पहचान से पूरे विश्व में इसकी एक पहचान है, इसलिए भारत विश्व गुरु कहा गया है। सोने की चिड़िया भारत, न जाने किसकी नज़र लग गई। और यदि आध्यात्मिकता और धर्म की बात करते हैं, यानी धार्मिक, हमारे हिंदुस्तान का जो धर्म है सनातन है, और इस सनातन धर्म के जो ध्वजावाहक हैं हमारे साधु संत, वो हमेशा सदैव पूजनीय हैं। लोग पूछते हैं आज भी, किंतु कोई एक वर्ग किसके बहकावे में किस षड्यंत्र के अंतर्गत यह कार्य हो रहा है, ये सभी समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है, इसे समझना होगा। आप जगह जगह पर देखिए, महाराष्ट्र में फिर अभी सांगली में जो घटनाएं घटी, चार साधु रास्ता पूछ रहे थे, उन्हें बच्चा चोर होने के संदिग्ध में बेरहमी से पिटाई की गई। लज्जा की बात है, ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर ये तमाचा है। ये मात्र किसी चार साधु की पिटाई नहीं हुई है, हिंदू धर्म के ऊपर आघात है और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको चुनौती दी जा रही है, आपके धर्म का ध्वजा को उखाड़ने की चेष्टा की जा रही है इसके माध्यम से। उसी प्रदेश में पालघर में साधुओं को निर्मम हत्या कर दिया गया, जिसका आज तक उसका कोई भी उचित फैसला नहीं आया है। अब ये दूसरी घटना है, और साधु संतों को हमारे धर्म को मजाक उड़ाने का, इसे उपहास के पात्र बनाने का, इसके ऊपर प्रताड़ित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यदि चाहते हैं कि सनातन की रक्षा हो, भारतवर्ष की ध्वजा लहराता रहे, भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, तो भारतवर्ष के सभी लोगों को, विशेषकर सभी सनातनियों को और भारत में रहने वाले सभी लोगों को, भारत की पहचान की अगर आपको थोड़ी भी अंदर में टीस है, तो इसके लिए आपको विचार करना होगा और इससे संबंधित कार्य करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी, उस षड्यंत्र को कुचलना होगा। कौन है वो जो इस प्रकार के साधु संतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? साधु संत एक निहत्था है, एक सीधा साधा व्यक्ति जो भगवान के शरण में अपने आप को पूरा न्योछावर कर दिया है, समर्पित है। कौन से बहादुरी दिखला रहे थे आप? कौन सा मेडल मिल गया आपको और आपके आका प्रसन्न हो गए, तो कौन सी आपको प्रधानमंत्री बना दिया? याद रखना होगा, इस चुनौती को, देश को, सनातन संस्कृति को बचाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आने वाला समय अच्छा नहीं दिख रहा है। साधु संत जिस दिन वो नंग धड़ंग अपने हथियार लेकर उतर गए, तो फिर ऐसे लोगों को बचना मुश्किल हो जाएगा। तो साधु संत को माला ही जपने दें, उन्हें भाला ना उठाना पड़े। ये काम हमारा, आपका और समाज के लोगों का है, सरकार का है, प्रशासन का है, नागरिकों का है। हमें सभी को अपना अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझकर निष्ठापूर्वक निभानी होगी। जय श्री राम।